देखो चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, 13.2 की इंट्रोडक्शन में हमें आज करना है डेरिवेटिव्स। ठीक है, कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं लिमिट के बारे में। ठीक है, कि लिमिट क्या होती थी, लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब आज हमने करना है डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है अगर आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू रियल आ रही है उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, देन ठीक है, द डेरिवेटिव, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए से। ठीक है, ये चीज आती कैसे, ये भी हम अभी करेंगे। ठीक है, ओके, लेट एफ बी आर रियल वैल्यू फंक्शन। अगर आपके पास एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तो जो मेरे पास डेरिवेटिव होगा एफ का कहाँ पर, एट एक्स पॉइंट ए। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वो होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ये मेरे पास डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आ जाओ, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट करे इसका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, पहले आपको यहाँ बता दूं कि इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं। देखो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है तो डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड वाई डैश ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, या तो फिर एफ डैश, एफ एक्स है तो एफ डैश ए, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि एफ डैश ए, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हम प्लस टू में यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हम डेरिवेटिव को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आ जाओ अब हम करते हैं बात इसकी कि ये चीज आती कैसे है। ठीक है, तो देखो जो इसका एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या है, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ इसका मतलब क्या, ये चीज हम करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, यही होगी एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होनी चाहिए। एंड विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, एफ डैश ए। ठीक है, यही था ना, कि जब हमारे पास फंक्शन होता था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता था। जब लिमिट एग्जिस्ट करती तो ये किसके इक्वल आता था, एफ ऑफ ए के इक्वल आता था। यही चीज थी,
एफ ऑफ ए लिख लो, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा, ये लिख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स के इक्वल। ठीक है, मतलब ये क्या जाएगा आपके पास, एफ डैश ही। ओके, ये लिख सकता हूं, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ओके, आ जाओ, देखो मैंने आपको पहले बताया था ए नेगेटिव, यहां पर हम इसे अगर चेंज करेंगे एच में तो क्या करें, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए नेगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस एच माइनस ए एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच माइनस ए एंड विच इज इक्वल टू एफ डैश ए। देखो ए से ए कट गया, यहां भी ए से ए कट गया, ठीक है मैं रफ कर दू यहां पर, ठीक है ये चीज कट रही है, यहाँ माइनस एच बचेगा, ठीक है, और यहाँ ओनली एच बचेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज, ठीक है, ये लिखी हुई है मैंने, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अपॉन जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, अब अगर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तब हम लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हम प्लस टू में बहुत करेंगे, क्योंकि प्लस टू में आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो वहां पर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, ये चीज आई समझ में, लग गया बता, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और ये होता है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, और हम जनरली ये फार्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, आपके पास यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, कि जब हमारे पास एफ जो होगा रियल वैल्यू फंक्शन होगा और आपको डेरिवेटिव निकालना होगा फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, लग गया पता, तो मैंने आपको ये भी बता दिया ये कहाँ से आया। ओके, ठीक है, आज अब कर लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। ठीक है, इसे मैं रख कर रहा हूं, ठीक है, आ जाओ, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या है डेरिवेटिव की। ठीक है, देखो यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये आपके पास कोई कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, लेट ये जो पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है ए। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का मैंने एक डिस्टेंस लिया एच, यहां से लेकर यहां तक लिया एच, तो इस पॉइंट के ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर टू पॉइंट्स, एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ बी ले लिया। ठीक है, दो पॉइंट्स ले लिए मैंने इस कर्व पर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ए कॉमा कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जब एक्स ए है तो वाई क्या आ जाएगा एफ ओ फे, तो ए कॉमा एफ ओ फे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे,
और स्पाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच, यही कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दो पॉइंट्स के। ठीक है, देखो मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर ए बी क्या है आपके पास, सीकेंट लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है, एक सीकेंट लाइन है। देखो यहां जो ए बी लाइन है, ठीक है, यहां जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा। ठीक है, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन देन वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि ए प्लस एच माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, यह जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब एक चीज देखो, यहां पर जैसे जैसे बी पॉइंट जो है ए को अप्रोच करेगा, वेरी क्लोज टू ए, वेरी क्लोज, ठीक है, जैसे जैसे बी ए को अप्रोच करेगा तो ये एच कहाँ होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, यानी कि एच क्या करता जाएगा, जीरो को अप्रोच। जब बी जो है ए को अप्रोच करेगा, बी पॉइंट जैसे जैसे ए के पास आता जाएगा, बिल्कुल क्लोज, ठीक है, लगभग यहां पर ए पर कौन साइड कर जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि एच क्या कर जाएगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो मेरे पास ये कैसे बनेगा कर्व, जब ये बी पॉइंट ए पॉइंट पर आ गया तो ये मेरे पास कुछ लाइन ऐसी हो जाएगी, ये जो सीकेंट लाइन है, ये जो मेरे पास सीकेंट लाइन है, ऐसे करके लाइन थी, ठीक है, बी पॉइंट, बी पॉइंट कहाँ आ गया, ए पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ओके, तो देखो ये जो लाइन है ये यहाँ पर टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन बन गई। तो ये जो ए बी लाइन का स्लोप था, ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू बी पॉइंट ए को अप्रोच कर गया, यानी कि एच जीरो को अप्रोच कर गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या था, इस लाइन ए बी लाइन का स्लोप क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये ए बी लाइन का स्लोप था, लेकिन जब बी पॉइंट ए को अप्रोच कर गया, यानी कि लिमिट एच अप्रोच टू जीरो कर गई, तो मेरे पास इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये, ठीक है, ओके। तो ये है मेरे पास क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, कि मेरे पास जो ये ए बी सेकंड लाइन थी, और अगर हमारे पास ये बी पॉइंट जो है ए को अप्रोच कर रहा है यहां पर, यानी कि ए के ऊपर आ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस एच जो है वो क्या हो रहा है, जीरो, एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा। और ये देखो ये बन के रही है, मेरे पास टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है, टेंजेंट लाइन बन रही है, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया मेरे पास, ठीक है, ओके, लगे पता, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या हमारे पास स्लोप, ठीक है, ये क्या हमारे पास स्लोप, ओके, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, जैसे देखो अगर आपको कंपेयर करना है दो कंपनीज में कि कौन सी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, बेटर ग्रो कर रही है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, उसका ग्राफ आपके पास ये है, लेट दिस कंपनी इज एक्स एंड लेट दिस कंपनी इज वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू कंपनीज, ठीक है, तो देखो यहां पर इन्होंने, ठीक है, आप यहां पर देख के बता सकते हो कि कौन सी बेटर ग्रो कर रही है, ठीक है, ओके, यहां से हम वो बोल सकते हैं कि जो कंपनी एक्स है वो बेटर ग्रो कर रही है, ठीक है, ओके, मान लो ये है आपकी साइड को ईयर्स, ठीक है, और यहां को इसका है आपके पास जो प्रोडक्शन थी, ठीक है, कि हर साल उन्होंने जो प्रोडक्शन की उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कितना ग्राफ इंक्रीज किया, ठीक है, तो एक चीज देखो यहां पर जिस लाइन का जितना बड़ा स्लोप आएगा, ठीक है, अब नेचुरल सी जो लाइन एक्स है ये, इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ लाइन एक्स इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन वाई, ठीक है, तो जो कंपनी एक्स है वो अच्छा ग्रो कर रही है, वो बेटर ग्रो कर रही है किससे, कंपनी वाई से, ठीक है, तो हम स्लोप से बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी में ज्यादा प्रोग्रेस है, ठीक है, तो इनका यूज हम यहां पर भी करते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है,
तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, और कुछ फार्मूले करेंगे हम इस पर, ठीक है? और वो फार्मूले अगर आपको पता होंगे तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? आ जाओ, कर लेते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो क्या है, एलजब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? देखो, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन है इनका आपने डेरिवेटिव करना है तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है? और अगर यही फंक्शन, ये तो एडिशन में थे, अगर दो फंक्शन आपके पास सब्ट्रैक्शन में है तो इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है? ओके। और अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स बाहर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस, अब जी एक्स की डिफरेंशिएशन हो चुकी है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन नहीं हुई है तो हम इसको अंदर लिखेंगे, ठीक है? मैक्सिमम इसे यूवी फार्मूले से करते हैं डिफरेंशिएशन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि हम मेनली याद भी रखते हैं, ठीक है? पहले इसे कर लो। देखो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, अगर ये आपके पास दो फंक्शन डिवीजन में दिए हैं तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर में लिखोगे और इसका स्क्वेयर कर दोगे, ठीक है? जो डिनोमिनेटर में है वो पहले आएगा, डिफरेंशिएशन होगी किसकी, जो फंक्शन ऊपर है एफ एक्स, फिर माइनस, ठीक है, अब एफ एक्स बाहर आएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ओके, ठीक है? आ जाओ मैं आपको अब यूवी से बता देता हूं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू एंड जी एक्स इज इक्वल टू वी, तो यूवी फार्मूले हम बोलते हैं इनको, ठीक है? तो डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी क्या होगा, तो डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स होगा, वे यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, इसे हम यू डैश प्लस वी डैश भी लिखते हैं, ठीक है? एंड डी डी एक्स ऑफ यू माइनस वी क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स, यानी कि यू डैश माइनस वी डैश। और डी डी एक्स ऑफ यू वी प्रोडक्ट रूल, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं और लिबनाइज रूल भी कहते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ओके, क्या बता? एंड नाउ इसमें क्या आ जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है? यहां क्या आ जाएगा, जो नीचे है, ठीक है, यानी कि आपको बोल रहे हैं डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो नीचे है वी स्क्वेयर वी बाहर डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है? जिसे हम लिख सकते हैं वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपको फार्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है? इन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, यूवी फार्मूले पर क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है? ओके, आज जो साथ में क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है, जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है, पर उससे पहले आपको मैं फार्मूला लिखवा दूं कुछ और, ठीक है? देखो पहला है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, बोलते हैं वाई इज इक्वल टू
एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी किसकी, एक्स क्यूब की, तो क्या आ जाएगा, थ्री आ गए और एक्स की पावर 3-1 यानी कि 3x². ठीक है, जैसे आपने कहना है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, पावर में 3/2 है तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ गए और एक्स की पावर 3/2-1 एंड विच इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये चीज ये समझ में आ गया फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, देखो सेकंड है आपके पास, बाकी ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, जैसे आपको बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगी, माइनस साइन एक्स, जितने भी सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होंगे उनके साथ माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, नंबर फोर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी आपके पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, फिफ्थ है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस, सी से स्टार्ट हो तो माइनस आ गया कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। सिक्स्थ है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ध्यान रखना है ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे फार्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, जो है सेम ही रहेगा, बाकी आती जैसे ई की पावर 2x, ई की पावर 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी। ठीक है, ये हम प्लस टू में करेंगे, ठीक है, फिलहाल आपके लिए यही है। ठीक है, नाइन्थ है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होगी, मेरे पास ए की पावर एक्स लॉग एट द बेस ई ए। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि आपने डिफरेंशिएशन करनी है 2 की पावर x की, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x log एट द बेस ए, log 2 एट द बेस ए। ठीक है, टेंथ है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं, अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए, ओके, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे आता है ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर टेन एक्स की सीकेंट स्क्वायर कैसे आती है, ठीक है, ये कैसे आते हैं ये हम सभी प्रूव करेंगे, ओके। ठीक है, देखो एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स की हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे जो इसकी डिफरेंशिएशन है वो क्या होगी, कॉस एक्स होगी। मे बी अब ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स का आता है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि आपने, ठीक है, क्वेश्चन का डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, देखो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या था मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस, नॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, यही फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो हमने किया था कि जो एफ डैश ए है, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एफ डैश ए, का मतलब था हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, यानी कि एफ एक्स की डिफरेंशिएशन निकालनी थी हमें कहाँ पर, एट पॉइंट ए पर। ठीक है, ये वही चीज है जो किसके इक्वल थी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यही थी। ठीक है, तो वही हम यूज कर रहे हैं यहां पर,
ठीक है, यहां पर एफ डैश ए पर निकाल रहे थे, एट पॉइंट ए पर था, ए पर था तो ए प्लस एच था, ठीक है। यहां पर हम कहां निकाल रहे हैं, एफ डैश, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफ डैश ए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए आ रहा है। अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ए की जगह क्या आएगा हमारे पास, एक्स आएगा। तो ये इसका फार्मूला है, इसका यूज करके अगर आप इसके डिफरेंशिएशन करोगे तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है इस पर, तो आ जाओ यहाँ पर हम कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स, तो साइन एक्स, अगर एक्स प्लस एच है यहाँ पर, एक्स प्लस एच होगा तो यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच आएगा, ठीक है ना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स है तो एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस एच से, तो यहाँ भी एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, एच। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके आ जाओ। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमने फार्मूले किए थे कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू एंड साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है, ये फार्मूला था। तो क्या आ जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय टू एंड साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, एच, ठीक है, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू कॉस क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू एंड एक्स एक्स कट गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एच बाय टू, ठीक है, होल डिवाइड बाय एच, ओके। अब देखो नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू एंड साइन एच बाय टू, ठीक है। ये एच क्या मैं यहां पर लिख दूं इसके नीचे, अलग लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो हमें पता था, एक फार्मूला हमने किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी, 1, ठीक है, ओके। तो इसे क्या मैं एच एंगल एच अपॉन टू है जिसमें एच अपॉन टू लिख लूं, तो टू से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये टू से ये टू कट गया, कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय टू एंड डिवाइड बाय एच बाय टू, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अगर एच जीरो का अप्रोच कर तो एच बाय टू भी तो जीरो का अप्रोच करेगा, लिख सकते हैं। तो ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर एच जीरो पुट कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कट गया, एंड विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, कॉस एक्स आ गई, आया समझ में। वैसे ही आप करोगे ट्राई कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन आपने ट्राई करनी है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से करोगे। बस यहाँ कॉस ई माइनस कॉस डी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, और वहां से बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने करना है, ठीक है, ओके। ये चीज आई समझ में कि हमने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे की, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आ जाओ एक और करते हैं, अब हम एफ एक्स इज इक्वल टेन एक्स ही कर लेते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास क्या है कि जो एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, यही होता है, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ठीक है। अब टेन सी माइनस टेन डी का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो
इसे चेंज कर लो साइन और कॉस में, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि देखो टेन सी माइनस टेन डी का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या देगा, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाय एच। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच एंड डिवाइड बाय एच, तो ये एच साथ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला, विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखो, एक्स प्लस एच की जगह क्या है, ए, एक्स प्लस एच की जगह ए और एक्स की जगह बी, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, एक्स की जगह क्या है बी और एक्स प्लस एच की जगह क्या है ए, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है, बन रहा है फार्मूला। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एक्स डिवाइड बाय एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स एक्स कट गया, साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच अलग लिख लिया, और वन अपॉन यहां पर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स, लिमिट अलग अलग कर ले, ये फुल क्वांटिटी क्या होगी, वन होगी, वन इंटू एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, वन बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एंड विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है हमारे पास, सेकेंट स्क्वायर एक्स। यही हमने टेन एक्स की डिफरेंशिएशन बताई थी आपको फॉर्मूले में, कि टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स के लिए आप ट्राई करोगे। ओके, ये चीज समझ में आ गई, तो इस तरह से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन करने हैं, आ गया समझ में। ठीक है, अब मैं आपको मैं एक चीज आप बता देता हूँ कि क्वेश्चन रूल एंड प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल एंड प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक फंक्शन ये है यू, एक फंक्शन ये है आपके पास भी, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल पहले बताया था कि डी डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, देखो फंक्शन है आपके पास एक्स की फॉर्म में, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स। अगर ये फंक्शन मान लो जेड में होता तो हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ विच इज इक्वल टू एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगी, एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई थी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स है ये, तो ऐसे वन हो गया। अगर नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू पावर वन है, वन आगे एक्स की पावर वन माइनस वन, यानी कि वन इंटू एक्स की पावर जीरो एंड विच इज इक्वल टू वन, तो क्या आ गया, इंटू वन, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चन में। ओके, आ जाओ एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन रूल पर भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, यही ले लिया मैंने, ठीक है,
ये क्या आ गया u, ये क्या आ गया v, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, वे यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले जो नीचे लिखा है उसका स्क्वेयर, वी पहले आएगा और जो ऊपर है उसकी डिफरेंशिएशन, माइनस यू बार डिफरेंशिएशन ऑफ वी, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, एंड विच इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन अभी की थी 1 होती है, एंड माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। पर कई बार आपका आंसर जो होता है पीछे से मैच नहीं करता, कई बार आंसर कैसे घुमा के दिए होते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है इसका, कई बार पीछे आंसर अगर आपने मैच करने तो ये ऐसे लिखा होगा, ठीक है। माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स को मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। एक साइन से एक कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स, जिसे क्या लिखा होता है इन्होंने, 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स। तो पीछे कई बार यही आंसर भी दिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, ये जो आंसर आ रहा है यहीं से आ रहा है कैलकुलेशन करके, ठीक है। ये नहीं कि आपने ये गलत कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कर दिया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार आपके पास ये आंसर आ रहा होगा लेकिन पीछे ये आंसर दिया होगा, ठीक है। तो जस्ट इनको चेंज करना है आपने, आपके पास ये आंसर खुद बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, यही आपके पास जो है एक्सरसाइज में यूज होंगे। ये थी आपके पास 13.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ओके।